वेलकम बैक टू अब्दुल भाई, फिर से स्वागत है। खैर मकदम है एक और बढ़िया सा ब्लॉग लेकर, इन्फॉर्मेशन लेकर। कहाँ से? तो आपने पिछला ब्लॉग देखा था, आपका भाई ने दिखाया था यूपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शहर हमारे सामने ना कौन सा स्टेशन है, मऊ। तो फाइनली आपका भाई मऊ में आ चुका है और यहीं से ना पिछला होटल का ब्लॉग दिया था, सस्ता और मीडियम होटल का ब्लॉग दिया था। अब मैंने बताया था कि अगर आप मऊ आते हैं तो कहाँ एकदम आसानी से कम प्राइस में आप रुक सकते हैं। फ्रेंड उसी के बाद ना ये एक सेकेंड ब्लॉग होने जा रहा है फ्रेंड, कि अगर आप अच्छा खोज रहे हैं ना, फैमिली के साथ थोड़ा बढ़िया होटल खोज रहे हैं ना फ्रेंड, तो बस जैसे ही आप देख रहे हैं ना, जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं ना फ्रेंड, तो लाइन से हमें होटल ना यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ जो फ्रेंड हमारे सामने जो होटल है ना फ्रेंड, चाहे वो होटल राधा कृष्णा हो या बहुत सारे होटल अतिथि, बहुत सारे अन्य होटल हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ क्या है ना कि आपको 1200 रुपया में नॉन एसी और इससे ऊपर में एसी वगैरह मिल जाएगा। और अगर सस्ता वाला तो सस्ता मीडियम का मैंने आपको इससे पहले आपको दिखाया ही, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देना था कि स्टेशन के सामने कोई भी सस्ता होटल नहीं मिलने वाला है, सब महंगा होटल मिल रहा है। सस्ता होटल मिलना चाह रहे हैं ना तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद जो आएगा ना फ्रेंड, वो आएगा धर्मशाला का, जो एकदम सस्ता होटल भी नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए धर्मशाला है। आप धर्मशाला में ठहर सकते हैं, वहाँ सिर्फ 100 से 200 रुपया में ना आप इजीली ठहर सकते हैं। इसका व्लॉग इसके बाद आएगा, आप वो भी देखिएगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था किस शहर से, मऊ से, यूपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर ये भी है। तो चलिए इसी तरीके की जानकारी ना पूरे इंडिया से आपका भाई लाता रहेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो, कुछ पूछना चाहे, कुछ एडवाइस देना चाहे, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इसी तरीके का वीडियो आपका भाई पूरे इंडिया से लाता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, टिल देन।